लेखाश्री मैडम आपण सुनुथिले प्रताप देव को सीधासळ कहउछंती ये राजनीति करउछंती विरोधी माने राजनीति करउछंती खास करी बीजेपी ना नै कि कहउछंती लेखाश्री मैडम देखंतु बिजु जनता दल विभिन्न लोकंक मुहरु कुहा करउछंती जे ए जो एसआईटी सेटा होची कोर्ट मॉनिटर्ड ए एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड नुह मो समस्तन को जणे दवा को चाहउची बिल्कुल भी कोर्ट मॉनिटर्ड नो कोर्ट रे गोटे पीआईएल रो सुनाणी होची जो थरे एसआईटी तांकर बंद लफापा भितरे तांक मत को रखिछंती एफिडेविट को रखिछंती एटा कोर्ट मॉनिटरिंग करू नाहंती उल्टा कोर्ट कहिछंती जे एसआईटी ठीक भाबरे काम करूनी तो ये प्रताप देव ये जो डीजी मानको सब जो जो तांक देवी मिश्र ई जो लोक मानको लगेकरी किछि लोकंको लगेकरी सत को मिछ प्रमाणित करिवारे बिजु जनता दल लागिछि अरुण साहू को बंचेबार लगी केते दिन बंचेबे द्वितीय कथा है जे काही बंचेबा चाहूचंती अरुण साहू मुख्यमंत्री को दोष दुर्बलता जानिचंती जे एते एते घटना घटिला परे भी तांको ऑडियो वायरल सेटा तो आउ राजनीतिकरण बोली कहिबेनी एटा तो ओडिसा वासी सुनिले अरुण गोथरार ऑडियो तो ओडिसा वासी सुनिले दक्ष ऑफिसर कि दबंग ऑफिसर बाहुबली ऑफिसर लोके जानिले कथा होची एठी जे असल अपराधी गोटे बहुत जघन्य कांड होई से जघन्य कांड रे जे असल अपराधी ता बापा मा कोन कहउछंती परीर बापा मा से माने कहउछंती बाबुली नायक से माने कहउछंती बाबुली नायक को सुरक्षा दउछंती अरुण साहू बस इटे राजनीति आसिला कोठु जदी बिजु जनता दल न्याय देई थांता परी को ताले आमको राजरास्ता को ओल्लेवा को पड़ी न थांता जो राजनीतिकरण आपण कहउछंती आमको राजनीतिकरण करिया को पड़ी न थांता आमे उल्टा आपको आज धन्यवाद दे थो जो मुख्यमंत्री बढ़िया काम कले बाबुली नायक को धरले अरुण साहू को बहिष्कार कले किंतु आपण ही निजे न्याय बाट ओगाड़ी समालोचना को निज आड़ी निमंत्रण करम को किसी दरकार ना आम विजु जनता दल उपर जहाँ भी लोकंर टी उधे विश्वास था आज से विश्वास तो से संपूर्ण भाव हर आए दल तक क्षमतार कि अपव्यवहार करा भी ओडिशावासी देखुंट डीजीपी भलिया गोटे संवैधानिक अनुष्ठान को जो भली व्यवहार करा हौची दलीय मुखपात्र हिसाब रे एसआईटी को लगे कि तथ्य प्रमाण नष्ट करिबा ये सब ओडिशावासी देखुचंती द्वितीय कथा हला आपण कहउचंती जे ओडिशा रा ओडिया ए जो ऑफिसर माने अछंती एसआईटी रे अछंती अब अन्यन्य अतीत रे ए माने सब भारी न्याय दैचंती कुंडली कथा कोन हला आपण परा गोळे मोळे कि लास्ट को कहि देले जे ता सहित दुष्कर्म हेही नै स्मिताराणी कथा कौन हला बेबिना कथा कौन हला एगुडा कहतु ना कहतु आपण कोड़े वर्ष भितर क्या न्याय दे पारिना इतिश्री कथा कौन हला सीबीआई को दबा को आपण को अढ़े वर्ष लगीगला कौन पाई कि आप सब तथ्य प्रमाण नष्ट कले ये कथा उठबा ना उठबनी तेणु नवीन बाबू महिला प्रति शिशु प्रति युवकों प्रति कृषकों प्रति असंवेदनशील आज ओडिशा रे गत पांच वर्ष भितर 27,000 शिशु निखोज हो जाती खोजिवारे कौन सी उद्यम नहीं राज्य सरकार आम चार दिन तले डीजी पुलिस को भेटी आम पचारू जे कौ जिले केते शिशु केते उधार निखोज केते उधार होती उधार करिवारे आपणकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कौन कहतु आमको डेटा दियंतु सीधा छड़क मना कले आम मुहर जे नाही आमे दबू नाही आपण जहा करचंती करत दैट इज व्हाट डीजी टोल्ड अस देखंतु जे एमाने केते उद्धत होई गेलेनी केते अहंकारी होई गेलेनी जणे डीजी जहांकर काम होउची संवेदनातर सह ए सब घटना को सुनिबा एवं कार्यकारी करिबा ताकू न करिकि आपण जहा करचंती करंतु आपण जहा भावचंती भावंतु आमे किछि दबुनी वाज हिज स्टेटमेंट विरोधी कांग्रेस बीजेपी क्राइम को नहीं कि पॉलिटिक्स करउछंती डीजी क्षमता अच्छी से जहाँ को तदंत दायित्व दे पारिबे ना बिल्कुल डीजी क्षमता नहीं कहा को भी चाहिए तदंत दायित्व दे पारिबे आई पारे ना आम जो कथा कह जदि आपंज गेटा हिटलरी शासन एक छत्रवादी शासन सेटा न्याय प्रक्रिया शासन नुहे संविधान अनुमोदित शासन सेटा नुहे जोटा लोकंकर मुख्य दाबी रहिबो सेही अनुसार ही आपण करिया पड़िबो कौन पई राज्य सरकार सीबीआई को डरुचंती काहे कि डरुचंती सीबीआई को दे देले कौन सत बाहरी जीवो हैं सेया भय रहिची
ସତ ବାହାରିଗଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇବାକୁ ବାଟ ପାଇବେନି, ଓଡିଶାବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେନି, ମିଛ କହିକି ଆପଣ ଆଜି ଯାଇକି ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଚିଆ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଧରା ପଡିଲେ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଧରା ପଡିଲେ, ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆପଣ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଟଙ୍କାଟିଏ ବଜେଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଛ କହି କହି ଯିଏ ଜିତିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେମାନେ ସତ କେବେ କହିବି ପାରିବେନି। ଏ ମିଛ ରାଧା ସରକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ମିଛର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଦାଫାସ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶାବାସୀ ତ ବିଲକୁଲ ଜବାବ ଦେବେ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଡରେଇ ଧମକେଇ ପୋଲିସର ବର୍ଦି ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକିରି ଦମନ ଯେତେଦିନ ଲୀଳା କରିବା କଥା କଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ନୁହଁ। କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି, କିଏ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡଉଛି, ଆମେ ତ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମିଳିବେ ବୋଲି, ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏଇଥିରେ ଏଇ କେସରେ ଆଶା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ଆଖି କିଡ଼ନୀ ତାର ଖୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଲଗେଇକି ଏଇ ପୁରା ଘଟଣାବଳୀକୁ କରେଇଲେ ଏଟା ଦୁଃଖଦ। ବଡ କଥା ନା, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଟା ସାଧାରଣ ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡର ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କଣ ଆଜି ଯାଏଁ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ସିଏ 5 ମାସ ହବ ନାକାମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି ଚାକିରିରୁ? 5 ମାସ କାଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡର ସେଇ ଗାଁରେ ସେଇ ନାକ ତଳେ ପରୀ ଘର କଡେ ରହୁଥିଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏସ୍ପି ଆଉ ଡିଆଇଜି ସେଇ ରେଞ୍ଜର କାହିଁକି ରହିବେ? ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆନଯିବ? ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଉ ଆଶିଷ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆପଣ ଦି ଆଡୁ ଏମିତି ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଇପାରିବେନି। ଇଏ ବି ଭଲ, ସିଏ ବି ଭଲ, ଇଏ କାମ କଲେ ଭଲ, ନ କଲେ ବି ଭଲ, ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକ? ସାଧାରଣ ସରଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ କ୍ଷମା ମିଳିବନି ନବୀନ ବାବୁ, ଖବରଦାର କରିଦଉଛୁ, ଆଦୌ କ୍ଷମା ମିଳିବନି।